माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील। यूजुअली हम ध्यान नहीं देते कि हमको प्री वर्कआउट क्या खाना है या हमको वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सके या फिर जल्दी हील हो सके। प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको एनर्जी बूस्ट देने के लिए एंड आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एंड ऑफ कोर्स अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सो बात कर लेते हैं क्या होते हैं प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील वो होता है जो आप अपने वर्कआउट के पहले खाते हो। प्री वर्कआउट मील कार्ब्स एंड प्रोटीन होना चाहिए विद अ कप ऑफ कैफीन। वर्कआउट आप किसी भी टाइम करें उसके पहले अगर आप एक कप ब्लैक कॉफी पीते हो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि आप कैसे बना सकते हो ब्लैक कॉफी एंड वो कैसे आपको हेल्प करती है। अगर आप एक कप ब्लैक कॉफी लेते हो अपने वर्कआउट से पहले तो आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है वर्कआउट करने के लिए। स्पेशली जब आप कॉफी लेकर वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी फैट ज्यादा बर्न करती है कंपेयर कि आप कुछ भी नहीं लेकर वर्कआउट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपको अपने वर्कआउट के पहले कुछ ऐसा खाना है जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन दोनों हो। कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड प्रोटीन आपको हेल्प करेगा कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मसल लॉस नहीं हो एंड पोस्ट वर्कआउट मील होगा आपका मोर ऑफ कार्ब्स या फिर न्यूट्रिएंट्स रिच, जैसे कि फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट आप खा सकते हो आफ्टर योर वर्कआउट। वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बॉडी बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, तो फ्रूट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो शुरू करते हैं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हो, लाइक उठते ही अगर वर्कआउट करते हो तो वो वर्कआउट जो आप खाली पेट कर रहे हो वो सिर्फ आधे घंटे का होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा वर्कआउट करना चाहते हो लाइक एक से डेढ़ घंटा तो कोशिश करें कि आधे घंटे के बाद आप कुछ खा ले। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 5 से 6 भीगे हुए बादाम खा लो या फिर एक बनाना अपने साथ कैरी करो या फिर एक एप्पल या फिर एक कप ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट भी बहुत अच्छा काम करेगी उस टाइम पे क्योंकि आपको प्रोटीन एंड कार्ब्स दोनों चाहिए। नाउ अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद वर्कआउट करते हो तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट आपका अच्छा प्रोटीन एंड कार्ब्स रिच होना चाहिए, जो कि मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ आपको। जो भी आपके घर पे ब्रेकफास्ट बनाए आप उसको आराम से खा ले। उसके बाद आप जब वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो तो एक कप ब्लैक कॉफी पीकर जा सकते हो। अगर ब्रेकफास्ट से आपको 2 घंटे हो गए हैं एंड तब आप जा रहे हो वर्कआउट के लिए तो कोशिश करें एक फ्रूट खाकर जाएं ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे वर्कआउट के लिए। वर्कआउट से आते ही आप कोशिश करें या तो 1 घंटे के अंदर लंच ले लें अपना ताकि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खानी पड़े एंड लंच आप अच्छा प्रोटीन रिच कर ले। कार्ब्स तो एनीवेज इंडियन डाइट में इंक्लूडेड होता है एंड आप कोशिश करें कि आप प्रोटीन भी ऐड करें, लाइक आप एक कटोरी दही ऐड कर सकते हो या फिर एक कटोरी दाल। सो लंच के अगर 2 घंटे बाद आप जा रहे हो तो इट्स फाइन। अगर उससे ज्यादा लेट हो गई है तो आप कोशिश करें एक फ्रूट खाकर अपने वर्कआउट के लिए जाए ताकि आपको इनफ एनर्जी मिले वर्कआउट करने के लिए। सो आने के बाद इवनिंग स्नैक में या तो आप एक प्रोटीन शेक ले सकते हो, हॉट चॉकलेट मिल्क ले सकते हो क्योंकि मिल्क में प्रोटीन एंड कार्ब्स दोनों होते हैं, या फिर आप वेजिटेबल सॉटे करके खा सकते हो, एक फ्रूट खा सकते हो। अब बारी आती है उन लोगों की जो इवनिंग स्नैक के बाद जाते हैं, लाइक लेट जाते हैं थोड़ा 7, 7:30, 8 बजे। स्नैक आप इस अकॉर्डिंग ले कि 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो वर्कआउट तक ताकि आप स्टार्विंग मोड पर ना जाएं एंड आपको इनफ एनर्जी मिले वर्कआउट करने के लिए। अगर आप रात को वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं तो आप ब्लैक कॉफी अपने अकॉर्डिंग लें क्योंकि कुछ लोगों को कैफीन स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है, तो शाम को यूजुअली कैफीन अवॉइड करना बोला जाता है। तो आप देख ले अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो प्लीज ब्लैक कॉफी ना ले, सिर्फ एक फ्रूट खाकर आप जा सकते हो। एंड आने के बाद हेल्दी लाइट वेट डिनर करें एंड अगर आपको भूख नहीं है आने के बाद ज्यादा तो सबसे बेस्ट है कि एक बॉल सैलेड या सूप पीकर रात को दूध पीकर सो जाए। एंड अगर आपको खाना खाना आने के बाद तो कोशिश करें एक रोटी और एक कटोरी सब्जी खा लें, जिसके बाद सोने से पहले आपको लेना है 1 ग्लास दूध ताकि आपको प्रोटीन मिल सके। सो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर कि आप किस टाइम जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करें। अगर आप अपना कैलोरी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो और ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहते तो कोशिश करें जो भी आप मील ले रहे हो उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर वर्कआउट कर ले ताकि आने के बाद आप दूसरी मील ले सके एंड आपका जो कैलोरी इनटेक है वो डिस्टर्ब नहीं हो। मैं यूजुअली ऐसा ही करती थी, लाइक शाम को मैं 6:30 को अपना स्नैक लेती थी एंड 7:30 बजे मैं जिम जाती थी।
स्नैक में मैं एब्स एंड प्रोटीन इंक्लूड कर लेती थी ताकि मुझे एक्स्ट्रा कुछ ना खाना पड़े एंड मेरी कैलोरी इनटेक कंट्रोल में रहे। एंड 9:30 को आने के बाद मैं 10 बजे तक अपना डिनर कर लेती थी जो कि बहुत लाइट वेट होता था, इधर सैलेड होता था एंड उसके बाद ले लेती थी एक ग्लास दूध ताकि मुझे प्रोटीन भी मिल सके। सो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि खाली पेट आपको वर्कआउट नहीं करना है, अदरवाइज आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा होगा एंड अल्टीमेटली वो वापस आ जाएगा। हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि हम वर्कआउट करें उसमें फैट लॉस हो और न कि मसल लॉस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन गाइडिंग कि आपको कैसे खाना है ताकि आपका वेट लॉस हो सके। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। बाय बाय।